पहले आज के तेजी वाले शेयर्स आपको स्क्रीन पर आएंगे। चंद्र जी, दो शेयर हमको दिखे। हालांकि हम सारे मेटल काउंटर्स को, माफ कीजिए, हम ऑटो काउंटर्स को ले सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि ऑटोस ऑलरेडी काफी चल चुके हैं, कहीं हम फंस ना जाएं, तो इसलिए मैंने ऑटोस को छोड़ के जो दो नॉन ऑटो शेयर्स थे ना वो निकाल लिए हैं। ये एफ एंड ओ में जहाँ पे आज फ्रेश बाइंग है, यानी कि लॉन्ग पोजिशन है, वो है स्टार स्ट्राइड्स फार्मा का एक शेयर, 5.5% ऊपर है, पिछले दो तीन दिन से एक्टिव था, हमने पहले भी नोटिस करवाया है। इसके अलावा इन्फोएच नौकरी, ये भी आज 3.5% ऊपर है। सर जरा दोनों का डाटा चेक करेंगे आप? तो सबसे पहले आप नौकरी की बात करें तो स्टॉक में लगभग पिछले 15-16 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, काफी अच्छा प्राइस सेटअप बना है लोअर टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे मेरा मानना है अपटिक बनने चाहिए। 3830 के सपोर्ट से ऊपर में 4050 तक के लेवल आपको यहाँ पे दिखेंगे। वहीं आप स्टार की बात करें तो स्टार में वीकली चार्ट में बॉटम बने और डेली चार्ट में पिछले 10-12 दिन के कंसोलिडेशन बने। कल एक परफेक्ट बुलिश था, आज फॉलोअप कैंडल है, बुलिश बेल्ट होल्ड सिमिलर, सो यहाँ पे 320 के सपोर्ट से 345 तक के अपसाइड लगेंगे। तो इस मार्केट में जहां बाजार कंसोलिडेट कर रहा है, ये दो काउंटर है अपने आप को स्ट्रेंथ बना रहे हैं, तो पॉजिटिव बायस के साथ ही कामकाज करने की सलाह आपको नौकरी और स्टार दोनों में रहेगी। और स्टार तो मेरा मानना है फर्दर और भी 3-4% की रैली इमीडिएट बेसिस पर दिखाता हुआ नजर आएगा। ओके, ठीक है, स्टार के अंदर आपको और तेजी मिल सकती है। सर दोनों में से ज्यादा कन्विक्शन तो आपका स्टार पे ही है ना फिर तो? ओके, ठीक है, दोनों में से ज़्यादा कन्विक्शन का स्टार पे है। एक बार आप जरा इसके चार्ट भी देख लीजिएगा, माफ़ कीजिए, स्ट्राइड्स का आप लेवल्स नोट कीजिए 345। और मैं इन्फोएच आपको दिखाता हूँ, उसकी एक बड़ी वजह है इन्फोएच को दिखाने की, वो आपको जब थोड़ा पता लगेगा। ऑल्दो ये शेयर थोड़ा टूटा हुआ शेयर है, लेकिन फिर भी जो एक चैनल का ब्रेकआउट है ना, उसने अटेम्प्ट लेना शुरू कर दिया है। अपनी स्क्रीन पर आइएगा, आप देखिएगा यहाँ पे इन्फोएच, जिसको हम नौकरी के नाम से जानते हैं, ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। आप दो हिस्सों में इसको देख सकते हैं, पहला एक ये डाउन ट्रेंड पूरे वाला हिस्सा, उसका एक साइडवेज हुआ, फिर से एक नया डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, लेकिन पहले और दूसरे वाले में एक फ़र्क है। पहले वाले में चैनल का ब्रेकआउट नहीं हुआ था, ये चैनल का अपर रेंज है, हरी लाइन है, उसके बाद ये दूसरी रेंज है जो हरी लाइन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ब्रेकआउट नहीं हुई थी। फाइनली इस बार दूसरे वाले चैनल में इसने ब्रेकआउट किया हुआ है, यानी कि अपनी रेंज से बाहर निकल के आ गया। क्या ये शेयर बहुत स्पीड से ऊपर आएगा? शॉर्ट कवरिंग का सिद्धांत ये कहता है कि हम जितना टूटे कम से कम 33% तो हम बहुत तेज़ी से ऊपर आते हैं, और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे चलते हैं, फिर हम मौके के नज़ाकत देख के चलेंगे। तो फिलहाल अभी अभी इसने ब्रेकआउट किया है, इसलिए चंदन जी की लिस्ट में भी है। हम भी इसको थोड़ा समझते हैं कि हाँ ठीक है, आज का डेरिवेटिव का डाटा थोड़ा सेंसिबल है, अच्छा लग रहा है, तो आप नौकरी पर ध्यान रखिएगा। अगले 2-3 दिन इसके अंदर मोमेंटम जारी रहेगा, अगर ये बढ़ रहा है तो फिर ठीक बढ़ेगा, 2-3% रोज़ बढ़ेगा, अगर ये नहीं बढ़ रहा तो फिर वापस से ही उसी चैनल में आ जाएगा। इस चैनल का आपको ध्यान रखना, या फिर आप स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए, वो है 3830, टारगेट आपका 4050 का है। अच्छा बढ़ता है इसलिए 2-3% का मतलब 200-300 रुपये होता है, तो आपका इन्फोएच नोट कर लीजिएगा, ठीक है। स्ट्राइड्स के भी लेवल एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए, वो भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम कल आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रखेंगे चंदन जी का, तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस स्टॉप लॉस पे क्या क्या टारगेट था, या फिर कितना कितना रिटर्न आपके पास आया। सर शॉर्ट कवरिंग के भी दो शेयर हैं मेरे पास चंदन जी, पहला है वोल्टास, ये भी 4-5 दिन से टूट रहा था, थोड़ा चला है आज, लेकिन मेरे को इस पर ज़्यादा कन्विक्शन नहीं आ रहा, कन्विक्शन थोड़ा बाटा पे आ रहा है। ये कल की अच्छी क्लोजिंग करके गया, आज की अच्छी ओपनिंग की, और बैक टू बैक पिछले 2-3 दिन से ये इसने शो कर दिया कि अच्छा कंटेंडर है और चलने का। एक बार बताइए सर बाटा और वोल्टास। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बाटा की बात करें तो बाटा कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दिखा रहा है, और डीपी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, हम यहाँ पे सीजनलिटी इंडेक्स पे और सीजनलिटी स्टॉक्स पे काफी वर्क करते हैं, और मैंने नोटिस किया है पिछले 10 सालों में बाटा लगभग 80-90% जुलाई मंथ में पॉजिटिव गेन्स डिलीवर करता है, और वीकली चार्ट भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक पुलिस एनगल्फिंग काइंड ऑफ प्राइस पैटर्न और आउटसाइड बार काइंड ऑफ प्राइस पैटर्न दिखने को मिलेगा, जो इंडिकेट कर रहा है कि लास्ट वीक के पूरे डिक्लाइन को हम संभाल पाए हैं, और जहां से ये ब्रेकडाउन हुआ था 1720-1700 जोन उसके ऊपर हम टिक पा रहे हैं, तो बाटा में एक पॉजिटिव बायस इस वजह से बन रहा है। 1790-95 में जो आज का लो है वो सपोर्ट रहेगा, ऊपर में आपको लगभग एक बार के लिए 1800 तक के टारगेट बनने चाहिए, तो बाटा यहाँ पे पॉजिटिव बायस है, और अगेन अगले महीने के लिए थीम में ये काउंटर सबकी रडार पे भी होना चाहिए। अब हम वोल्टास की बात करें तो वोल्टास में आप देखोगे कहीं ना कहीं मोमेंटम हुआ है, वीकली चार्ट सेटअप में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं डबल बॉटम के अर्ली सिग्नल यहाँ पे बन रहे हैं, आज से 6 वीक पहले 922 के बॉटम बनाए, अभी रिसेंटली 930-932 के बॉटम बनाए,
बट कंसर्न ये है कि इसका जो हर्डल है 1000+, उसको डिसाइसिवली नहीं निकाल पा रहा है। तो यहाँ पे दो तरह के व्यू रहेंगे, एक तो इमीडिएट में लेना है तो आप 965 के सपोर्ट से लें, और नया ऐड करना है तो 1000 के ऊपर लें। तो 965 के सामने 1000 निकलता है तो कन्विक्शन आएगा 1040 के टारगेट के। ओके ठीक है, तो सर आपकी कन्विक्शन के हिसाब से फिर बाटा ज्यादा ठीक लग रहा है, फिर तो बाटा को ही रखें ना अपनी लिस्ट में। बिल्कुल, वहाँ पे कंपैरेटिव स्ट्रेंथ है, और बाकी दूसरे क्वांटिटेटिव डेटा सेटअप से भी देखें तो वहाँ पे कहीं की पॉजिटिव बायस के रुझान बन। ओके ठीक है, तो बाटा के लेवल्स आप नोट कर लीजिए, 1800 तक आ सकता है। ऑलरेडी हम पिछले 2-3 दिन से बता भी रहे हैं दर्शकों को, तो जो 50-60 रुपये का गेन आया, आप चाहें आपकी मर्जी, आपको बुक लगता है बुक करने हैं वापस बाहर निकल सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है 1690 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए नए वाला, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका नया टारगेट अब 1800 है। तो बाटा के अंदर इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है, और पिछले 2-3 दिन से हम आपको ये नोटिस भी करवा रहे हैं। चंदन जी का भी मानना है कि अगर आप वोल्टास और बाटा में पुल बैक के हिसाब से देख रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से, तो बाटा में थोड़ा ज़्यादा कन्विक्शन है। आगे बढ़ते हैं अब जरा मंदिर।